नमस्कार बच्चों, लेसन नंबर 4 जो हम पढ़ रहे थे आज लेसन, इसके 5-6 टॉपिक हमने पढ़े थे। तो लेसन नंबर 4 की अगर फिर से हम बात करें, वापस हम रिपीट कर रहे हैं शॉर्ट के अंदर, तो ये इमीडिएट बुलेट ग्रुप्स हम पढ़ रहे थे। यहाँ अंक भार इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो फैक्ट चीजें ही पूछी जाती है, 3 सवाल पूछे जाते हैं और वो तीनों सवाल एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ी थी परिभाषा और सामान्य परिचय, यानी कि प्रतिरक्षा। हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उसको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी यानी इम्यूनिटी सिस्टम पाया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान जिसके अंदर हम रोगों से लड़ने की क्षमता, उसकी क्रियाविधि और प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता हम जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्रतिरक्षा की विधियां थी दो, एक स्वाभाविक थी जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल रूप से पाई जाती है, और एक जो उपार्जित प्रतिरक्षा विधियां हैं जिसके अंदर हमारे शरीर से बाहर से अर्जित करना पड़ता, तो वो विधि। प्रतिजन का आणविक भार, इसका रासायनिक संगठन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ा था। ये दोनों ही प्रोटीन है, बाह्य रोगाणु है जिसका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है प्रतिजन का। प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ी थी, अंग्रेजी के कैपिटल वाई अक्षर की भांति होती है, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। प्रतिजन का जो विनाश होता है वो 4 चरणों में होता है। अगर 2 नंबर का सवाल मिला करके पूछे तो प्रतिजन की जो संरचना है वो पूछी जा सकती है, या इसका विनाश है वो किस प्रकार से होता है उस पर पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें अब जो नया टॉपिक है प्रतिरक्षी के प्रकार, तो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी के प्रकार, अगर इसके प्रकार की हम बात करें तो प्रतिरक्षी को जो ये जिस प्रोटीन से बना होता है जिसे हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, संक्षिप्त में कहा जाता है आईजी। इस आईजी में यानी प्रतिरक्षी में 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जिसके आधार पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जिसके आधार पर इस प्रतिरक्षी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो प्रतिरक्षी पाया जाता है यानी इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो यूनानी भाषा के कुछ अक्षरों से संबंध रखती है, जैसे आईजीजी सबसे पहला प्रतिरक्षी है। ये आईजीजी सबसे पहला तो नहीं कह सकते, इसकी तो इसे कह सकते हैं आईजीजी यानी कि गामा। यहाँ जो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो गामा प्रकार की, इसकी जो सांद्रता है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक सांद्रता वाला प्रतिरक्षी है। दूसरा जो प्रतिरक्षी है आईजीएम जिसे हम म्यू कहते हैं, यूनानी भाषा का वर्ड म्यू जिसकी वजह से इसे हम आईजीएम कहते हैं। और अभी जो 2020 के अंदर जो साइंस का पेपर हुआ था यही क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है वो ये आईजीएम है। सेकेंड के बाद में थर्ड आईजीएम, इसे हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा। ये जो इसका जो मूल कार्य है ये मां के दूध में पाया जाता है, मां के दूध में पाया जाता है। अच्छा, आईजीएम का मुख्य कार्य है यह मां के आमल को पार करके, मां के आमल को पार करके भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, तो वो जो ये था कि सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी तो IgM है, जिसकी सांद्रता सबसे ज्यादा होती है वो है IgG, जिसे घामा बोलते हैं। IgM जो माँ के दूध में पाया जाता है और शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। चौथा है IgE, जिसे एपिसिलिन बोलते हैं, एपिसिलिन। और ये IgE है वो एलर्जी, और एलर्जी को हिंदी में कहते हैं प्रत्युर्जता, प्रत्युर्जता क्रियाओं में भाग लेता है, क्रियाओं में भाग लेता है। मतलब भाग लेने का मतलब नहीं, ये प्रतिरक्षी है तो एलर्जी की क्रियाओं में जो प्रतिजन एलर्जी बढ़ा रहा है उस रोगाणु को ये नष्ट करने का कार्य करता है, वो IgE है, जिसे हम इम्यूनोग्लोबिन एपिसिलिन बोलते हैं। ये हुआ। इसके बाद में जो पांचवा है IgD, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, और ये सामान्य प्रतिजन से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हुए अपने पांच प्रतिरक्षी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018-19 में, ये पूछा गया है ये 18 में पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया। यही क्वेश्चन है जो बदल बदल करके पूछे जाते हैं, IgM का भी पूछा गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, वो इनमें से एक नंबर का इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, वो इन तीन प्रतिरक्षी में से नहीं बनता है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर जो नया क्वेश्चन बने, मुझे बन सकता है कि सीरम में सर्वाधिक सांद्रता वाला जो प्रतिरक्षी है वो कौन सा है, तो वह होगा इम्यूनोग्लोबिन घामा प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी वही है जो प्रतिजन का विनाश करता है, प्रतिजन को नष्ट करता है। तो ये हुए हमारे प्रतिरक्षी के प्रकार। हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे इन पॉइंट्स को हम क्लियर करते जाएंगे। आप अपने हाथ में पेन और रफ कॉपी और इसको इनके साथ ही नोट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो आपके मन में किसी भी तरह का, कि ये सवाल या ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, तो अपने यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सवाल का आंसर हमें बताइए, तो वो आपको क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे रक्त की, मनुष्य का। देखिए रक्त जो है, जिसे अंग्रेजी में सब जानते हैं, इसे ब्लड बोलते हैं। और ये जो ब्लड है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। और ये इसे जीवित ऊतक बोल सकते हैं, जीवित ऊतक कह सकते हैं, तरल अवस्था में ही पाया जाता है। इसका जो मूल कार्य या मात्रा वैसे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो कभी पूछी नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम 2020 के अंदर ये पूछा गया था, 2019 में, सॉरी 2019 में ये पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में रक्त की औसतन जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो वो मात्रा पूछी गई थी, तो मात्रा होती इसकी 5 लीटर, औसतन रूप से ये होती है। रक्त का जो मूल कार्य है वो अवशोषित भोजन हमारे पाचन तंत्र की हम बात करेंगे तो जिसके अंदर छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और वहीं पर अवशोषण होता है। तो अवशोषित भोजन या पोषक तत्व भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य रक्त की सहायता से किया जाता है, और विभिन्न भागों तक पहुंचाना ये कार्य जितने भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को
उत्सर्जन अणुओं तक ले जाना, उत्सर्जन अणुओं तक ले जाना, ये कार्य हुआ अपना रक्त का। अब इसकी जो रासायनिक संगठन है यानी रक्त किन से बना होता है वो बात करें, इसके पार्ट में बात करें, रक्त का एक तरल भाग होता है और इसमें एक ठोस भाग होता है। ठोस भाग में आती है गणिका, गणिका ब्लड कार्पस जिसे हम बोलते हैं रक्त गणिका, और तरल भाग के अंदर होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा का जो पार्टिसिपेट होता है वो 55% होता है, रक्त कणिका होती है वो 45% होती है। अच्छा, इस वर्ल्ड एग्जाम में तो भी पूछा भी जाता है ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि प्लाज्मा है उसका रक्त के अंदर कितना प्रतिशत हिस्सा होता, तो 55%, 55% में भी इसमें 92% वाटर होता है, जल होता है, और 8% के कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये डीपली चीजें हैं। अपने सिलेबस की बात करें तो प्लाज्मा तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है, तरल भाग है रक्त का, और ये काम करता है अवशिष्ट पदार्थों को लेना ले जाना, अवशोषित भोजन है, पोषक तत्वों को इधर उधर आवागमन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा सहायक है। तो इसका कार्य हो गया। अब इसमें तीन रक्त कणिकाएं पाई जाती है, वो कौन कौन सी? सबसे पहले है आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं, लाल रक्त कणिका। ये इसका कार्य क्या, देखिए गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन जो करती है वो आरबीसी की सहायता से किया जाता है। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन की सहायता से, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है, गाढ़ा चिपचिपा यह होता है, लाल रंग का तरल पदार्थ जिसे तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं, और आरबीसी गैसों का परिवहन करता है किसकी सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से। इसलिए हीमोग्लोबिन को हम रक्त वर्णक तो कहते ही हैं, इसके साथ साथ इसे हम शोषण वर्णक भी कहते हैं। शोषण वर्णक बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त वर्णक सब जानते हैं, 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी जानता है, ये शोषण वर्णक है। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात है कि ये जो हीमोग्लोबिन अगर आरबीसी के अंदर नए हो तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, काम इसका मूल क्या है, ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ता है और शरीर के विभिन्न भागों तक उस ऑक्सीजन को ले जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन के एक अणु को हमारे फेफड़ों से अंगूठे तक जाने में 3 वर्ष का समय लग जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि हीमोग्लोबिन अगर नहीं हो तो ऑक्सीजन के केवल एक अणु विसरण प्रक्रिया द्वारा जाएगा तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, उसके अंदर उसको 3 वर्ष का समय लगता है, इसका काम हो गया। दूसरी अगर हम बात करें WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तीसरी अगर हम बात करें इसकी तो वो है प्लेटलेट्स, यानी कि बिंबाणु जिसे हम कह सकते हैं बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, रक्त का थक्का। अगर हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर रक्त बहता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर रक्त बहना बंद हो जाता क्योंकि बिंबाणु, और बिंबाणु के अंदर जो ये बिंबाणु कणिका है या कोशिका है उसमें तेजी से विभाजन होता है, और तेजी से विभाजन की वजह से वापस रक्त बहना बंद हो जाता है, और जिस मनुष्य के शरीर में बिंबाणु यानी रक्त में बिंबाणु नहीं पाए जाते हैं उनको एक रोग होता है जिसे हम रॉयल डिजीज बोलते हैं, सही बीमारी बोलते हैं, वो है हीमोफीलिया, ये जिसमें बिंबाणु नहीं होता है, रक्त का थक्का कभी भी नहीं जमता है। तो ये अगर हमने बात की तो रक्त डिवाइडेशन करके और इन पर चर्चा की हमने, इसमें सिचुएशन पूछा जा सकता है कि आरबीसी का मूल कार्य क्या है, या रक्त का कार्य क्या है, या मानव शरीर में रक्त की मात्रा है वो कितनी है। तो अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें
वो है सब बात करेंगे, ब्लड का डोनेशन किस तरह से किया जाता है, दान किया जाता है रक्त का, तो वो क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, वापस कितने समय के बाद में वो रक्त बन जाता है, रक्त हो गया। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, यानी हमारा लेसन का दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो चुका है, रक्त समूह, रक्त का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स किस तरह से करते हैं वो बात करते हैं। देखिए हमारी जो आरबीसी है, हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि आरबीसी की सतह पर, इस आरबीसी की सतह पर एक प्रतिजन पाया जाता है, इस प्रतिजन ए वे बी प्रतिजन पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रतिजन पाया जाता है वो ए वे बी, या तो कि एक होगा या मतलब प्रतिजन ए वे बी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया गया था, रक्त को समूह में विभाजित किया गया था। ये कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक, कार्ल लैंडस्टीनर, सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था, रक्त को चार समूह में बांटा था जिसे ए बी ओ समूहीकरण कहते हैं, ए बी ओ समूहीकरण। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस ए बी बी के अलावा आरबीसी के सतह पर एक और प्रतिजन है और उसे हम कहते हैं आरएच कारक। इस आरएच कारक पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तीसरा प्रतिजन है वो आरएच कारक है, तो आरएच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को पॉजिटिव और नेगेटिव माना जाता है, जैसे कि को ब्लड ग्रुप ए है और इसमें आरएच कारक है तो पॉजिटिव है, वरना वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अब हम इसकी जो एबीओ समूहीकरण है, रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया गया था वो किस तरह से हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे और एक छोटी सी सारणी की सहायता से हम अध्ययन करेंगे रक्त समूह। देखिए यहाँ आ जाएगा रक्त समूह का वर्गीकरण, और वर्गीकरण बता दिया आपको सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है, तो पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन कि रक्त का वर्गीकरण या रक्त समूह का क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो यहाँ आ जाएगी कर्म संख्या, कर्म संख्या, यहाँ आ जाएगा रक्त समूह ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला प्रतिजन है, प्रतिजन की सहायता से ही रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। यहाँ आ जाएगा आरएच कारक, आरएच कारक उपस्थित है तो पॉजिटिव होगा, नहीं उपस्थित है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और इधर आ जाएगा अगर हम बात करें तो प्रतिरक्ष, यहाँ में प्रतिरक्ष बहुत इम्पोर्टेंट, जो जैसे प्रतिजन है उसी तरह से प्रतिरक्षी पाया जाएगा, अगर गलत प्रतिजन चढ़ गया रक्त के अंदर तो वो प्रतिरक्षी उस प्रतिजन को नष्ट कर देगा, विनाश कर देगा। नंबर एक, पहला वर्ग, जैसे कोई रक्त समूह या कोई किसी का ब्लड है जिसके अंदर आरबीसी की सतह पर प्रतिजन कौन सा मौजूद है, ए मौजूद है, प्रतिजन ए मौजूद होने की उपस्थिति में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा, कौन सा होगा, ए होगा। तो ये प्रतिजन निर्धारित करता है रक्त के समूह, अगर इसमें आरएच कारक उपस्थित है, ये मैंने लिख दिया उपस्थित है, यानी इसमें दो प्रतिजन हो गए, एक ए भी हो गया प्लस आरएच कारक भी हो गया। बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका, 2019 में 18 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के रक्त में, इस पर हम आरएच कारक कि मनुष्य के रक्त में प्रतिजन, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिजन ई वे बी के अलावा कौन सा प्रतिजन पाया जाता, तो हमारा राइट आंसर होगा आरएच कारक, तो यहाँ आरएच कारक उपस्थित है तो हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव, क्या लिखेंगे पॉजिटिव। अब इसमें जो प्रतिरक्षी उपस्थित होगा वो बी उपस्थित होगा। अब ये बी का काम करता है
ये इस प्रतिजन ए को जानता है और आरएच कारक को भी जानता है। अगर पाई का हमने रक्त प्रवेश करवा दिया बी वाला, जिसके अंदर ये प्रतिजन है ही नहीं, उसमें प्रतिजन बी रहेगा, तो ये प्रतिरक्ष, जैसे ये मैंने लिखते हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी, इसमें प्रतिजन कौन सा है बी, तो प्रतिजन बी है जिसकी वजह से रक्त में कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है। अब इसमें आरएच कारक भी उपस्थित है, प्रतिरक्षी कौन सा इसमें ए, इस प्रतिरक्षी को हमने बी वाले का रक्त ए में प्रवेश करवाया, तो ए के अंदर प्रतिजन ए है जबकि इसमें प्रतिजन बी है, दोनों का रक्त आपस में, ये प्रतिरक्षी इसको नहीं जानता, इस प्रतिजन को नहीं जानता है, तो इस वजह से वो इसकी आरबीसी को पूरा का पूरा नष्ट कर देगा, जिससे यकृत व कलिया को हानि पहुंचेगी और एक बिलीरुबिन नामक जहरीला पदार्थ बनेगा। ये इस ब्लड के कोगुलेशन की वजह से होता है। तो गलत रक्त नहीं चढ़ाना चाहिए, यहाँ भी हम चर्चा करेंगे गलत रक्त चढ़ना कि अगर हमने बी वाले का रक्त ए में चढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो प्रतिरक्षी है वो अपना असर दिखा देता है। अगर हम बात करें कि जैसे हमने पहले ही लिख दिया तो इसको मैं मिटा, अब प्रतिजन ए मौजूद है लेकिन आरएच कारक अनुपस्थित है, और जो आरएच कारक अनुपस्थित है प्रतिरक्षी वही है, आरएच कारक अनुपस्थित होने की स्थिति में इसे हम लिखेंगे नेगेटिव, तो ये हो गया ए नेगेटिव। दूसरा, एक दूसरा मनुष्य जिसके अंदर आरबीसी की सतह पर जांच की गई तो उसके अंदर प्रतिजन पाया गया बी, इसका मतलब उसमें रक्त समूह कौन सा है, बी है, इसमें आरएच कारक उपस्थित है तो ये बी पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें प्रतिरक्षी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर यह बी है जिसके अंदर प्रतिजन भी बी है लेकिन आरएच कारक है वो अनुपस्थित है तो हम इसको बी नेगेटिव लिखेंगे, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, और ये प्रतिरक्षी इसके अंदर कौन सा होगा, ए। तीसरा जो रक्त समूह है वो है एक अलग मनुष्य है जिसके अंदर जो रक्त समूह है ये आरबीसी की सतह पर जो प्रतिजन है वह ए वह बी है, ए व बी दोनों उपस्थित होने की वजह से रक्त समूह कौन सा होगा, ए बी होगा और इसमें आरएच कारक भी उपस्थित है तो ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। अच्छा, प्रतिरक्षी इसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई प्रतिरक्षी नहीं होने की वजह से इसमें कोई शाकी रक्त प्रवेश करवा दो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर प्रतिजन दोनों ही मौजूद है, इसलिए इस ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है सर्वाग्रह, ये सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है। अच्छा, एक है जिसके अंदर प्रतिजन दोनों है लेकिन जो तीसरा प्रतिजन है आरएच कारक वो अनुपस्थित है और इसकी अनुपस्थिति के कारण इसको हम ए बी नेगेटिव लिखेंगे, इसमें कोई आरएच कारक नहीं है और प्रतिरक्षी भी इसके अंदर नहीं है। अगर हम चौथे की बात करें तो ये रक्त समूह है जिसके अंदर किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं है, ए वे बी दोनों ही प्रतिजन, कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, दोनों ही अनुपस्थित है, कोई प्रतिजन नहीं होने की वजह से इसे कहते हैं शून्य ग्रुप, शून्य ग्रुप। देखिए कई बार हम, हाँ अभी तो इसको कोई पढ़ते हैं भाई, जब कॉल एंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी तो ए बी और उसके बाद में इसका नाम सी भी रख देते, वो क्यों रखा, उस ओरिजिनल नाम वो नहीं है, इसे हम शून्य ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं होने की वजह से इसे शून्य ग्रुप कहते हैं, इसे वर्तमान में ओ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आरएच कारक अगर इसमें उपस्थित है तो यह हो जाएगा पॉजिटिव और इसके अंदर प्रतिरक्षी दोनों पाए जाते हैं, ए वे बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित है, दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, ओ
जिसके अंदर प्रतिजन दोनों ही अनुपस्थित है तभी तो ये शून्य ग्रुप है, लेकिन इसमें आरएस कारक नहीं होने की वजह से इसे ओ नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। और ओ नेगेटिव यानी इसमें कोई प्रतिजन नहीं है, कोई विरोध करने वाला ही नहीं है, नहीं तो क्या प्रतिजन है, नहीं कोई फॉरेनर कोई विदेशी नहीं है, तो ये किसी का भी अपना रक्त दे सकता है, कोई प्रतिजन नहीं होने की वजह से इसलिए सर्वदाता कहते हैं, ये अपना रक्त सभी को दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता है। तो ये हुआ हमारा रक्त समूह का पार्टिसिपेंट। फिर से बात कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, देखिए इधर से अगर नहीं दिख रहा तो रक्त समूह का वर्गीकरण है ना, वो उसमें जो मूल जिम्मेदारी निभाता है वो प्रतिजन ही होता है, प्रतिजन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। आरएच कारक तीसरा प्रतिजन है जो उपस्थित और अनुपस्थिति के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव दर्शाते हैं, और इसमें जो प्रतिरक्षी पाए जाते हैं वो इसका विरोध करते हैं, इसमें वो नेगेटिव में भी दोनों प्रतिरक्षी मौजूद है। तो किसी को रक्त देना है, अपना रक्त किसी को डोनेट करना है, तो प्रतिजन को ध्यान में रखना होगा, और किसी दूसरे का रक्त लेना है तो प्रतिरक्षी को देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कौन सा प्रतिरक्षी है, कहीं वो उस प्रतिजन को नष्ट तो नहीं करते, तो ये मिलान करना बहुत ही जरूरी है। ये वाला अपना रक्त ए को दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, बड़ी आसानी से दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला अपना रक्त नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें विदेशी प्रतिजन है आरएच का, इसके अंदर आरएच कारक उपस्थित है, इसके अंदर अनुपस्थित है, और अनुपस्थित होने की वजह से यह प्रतिरक्षी बी उसको वहीं पर नष्ट कर देगा, इस आरएच कारक सही उस पूरी आरबीसी को नष्ट कर सकता है। तो मैंने ये तो तीर का निशान बनाया कि ये नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता, पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को नहीं दे सकता है। चर्चा करेंगे हम, और इससे क्या फर्क पड़ता है इस दुनिया में उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बता दो पहले कि विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में 85% ऐसे लोग हैं जिनमें आरएच कारक पाया जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव है, और 15% है जिसके अंदर आरएच कारक नहीं पाया जाता, तो वो बहुत आंकड़ा बहुत ही कम है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, तो यह हुआ रक्त समूह का वर्गीकरण। अब हम आगे की चर्चा करेंगे, बिल्कुल आराम से, और हर चीज आपको लिख के यहां समझाई जाएगी, किसी तरह की भागदौड़ नहीं है, आराम से समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आरएच का, यह है आरएच का, क्योंकि मकाका रेशस एक बंदर है, मकाका रेशस नामक बंदर के अंदर, मकाका रेशस नामक बंदर की आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन को खोजा गया, प्रतिजन यानी आरएच कारक को खोजा गया। अब हम समझते हैं इस आरएच की कुछ फुल फॉर्म होगी, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये आरएच जो वर्ड लिया गया है वो इसी रिसर्च से ही, इसी के पहले आरएच वर्ड से ही लिया गया है। ये आरएच कारक ये 417 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना, अमीनो अम्ल से मिलकर के बना, ध्यान रहे एमिनो अम्ल प्रोटीन की एकलक इकाई है। दुनिया के 85% लोगों में, दुनिया लोगों में आरएच कारक पाया जाता है, और 15% लोगों में आरएच कारक नहीं पाया जाता, यह बात हुई। तो यह हुआ हमारा आरएच कारक, इसमें अगर छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है तो यह बन सकता है कि यह आरएच कारक है वो कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बना है, तो 417 प्रकार के। एक हम बात करें कि आरएच कारक की खोज किस बंदर में हुई, तो वो मकाका रेशस बंदर के अंदर इसकी खोज हुई है।
अगर हम बात करें कि आरएच कारक कितने प्रकार का होता है, तो आरएच कारक टोटल 5 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें इसके जो प्रकारों की, तो सबसे पहला प्रकार है आरएच डी, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 85%। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आरएच कारक है वो आरएच डी है, सबसे पहले बनता है। इसके अलावा आरएच ई, आरएच स्मॉल ई, आरएच कैपिटल सी और आरएच स्मॉल सी, ये आरएच के 5 प्रकार पाए जाते हैं। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है आरएच कारक किस सतह पर पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर, ए प्रतिजन ए व बी के अलावा मानव शरीर के अंदर जो प्रतिजन पाया जाता है वो आरएच कारक है, मक्का का रिसर्च में इसकी खोज की गई और 417 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात, ये जो आरएच कारक गलत रक्त चढ़ना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, रक्त समूह का मिलान भी करना बहुत जरूरी है कि ए वाला ए को रक्त दे सकता है या ओ वाला सभी को अपना रक्त दे सकता है, और नेगेटिव वाला तो हर किसी को दे सकता है, ठीक है। तो रक्त चढ़ाते समय, रक्त डोनेट करते समय और दूसरे व्यक्ति के अंदर चढ़ाते समय रक्त समूह का मिलान करना बहुत जरूरी है। रक्त समूह का मिलान करना, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने रक्त समूह ए है उसका रक्त चढ़ा दिया बी के, ए का रक्त किसमें चढ़ा दिया बी का, अभी पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ा है, मैंने केवल रक्त समूह का मिलान नहीं किया है, या करना क्यों जरूरी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ए का रक्त हमने किसमें चढ़ा दिया बी के अंदर चढ़ा दिया, फर्क क्या पड़ता है इसके ऊपर। देखिए, फर्क पड़ने वाला यह है कि इसके अंदर जो प्रतिजन है वो ए है और प्रतिरक्षी है वो है बी। अच्छा, इसके अंदर चढ़ाने तो इसके अंदर प्रतिरक्षी कौन सा है ए और प्रतिजन कौन सा है बी है। अब इसको बोलते ये प्रतिरक्षी बी वाला, ये है प्रतिरक्षी जो रक्त समूह बी के अंदर मौजूद है, प्रतिरक्षी कौन सा ए मौजूद है और इसके अंदर प्रतिजन कौन सा है। अच्छा, इसमें प्रतिजन कौन सा है बी है, इसमें ए है, इसमें बी है। यहां पर ये प्रतिरक्षी ए इस प्रतिजन को जानता है, इसका अच्छे तरीके से वापिक है, जन्म से इसके साथ में ये मौजूद है, तो अच्छी तरीके से जानता है। जैसे ही ये रक्त इसके अंदर प्रवेश करेगा यह प्रतिजन इसके लिए विदेशी हो जाएगा, इसके इस प्रतिरक्षी के लिए एक विदेशी हो जाएगा, फॉरेनर हो जाएगा, वो प्रतिरक्षी ए इस प्रतिजन ए को नहीं जानता, वो केवल प्रतिजन किसको जानता है बी को जानता है। इसकी उपस्थिति में जैसे ये प्रवेश करेगा इसकी एवज में ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन और पूरी की पूरी आरबीसी को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, नष्ट करेगा, रक्त का थक्का जमेगा, रुधिर लयनता उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से पूरे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा, गुर्दे यकृत और पलिया जिसे हम ब्लड बैंक बोलते हैं वो फैल हो जाएगा, उनको नुकसान पहुंचेगा और मनुष्य की मृत्यु होगी। चलो बोलते हैं कि हमने रक्त समूह का मिलान तो कर दिया कि ए वाले का रक्त ए में चढ़ाया, हमने ए वाले का रक्त किसमें चढ़ाया, लेकिन अब रक्त समूह के साथ साथ रक्त समूह के साथ साथ आरएच कारक का मिलान करना, आरएच कारक का मिलान करना ये बहुत जरूरी है। यही पढ़ रहे हैं, गलत रक्त चढ़ना जिसमें रक्त समूह का मिलान करना जरूरी है, रक्त समूह के साथ साथ आरएच कारक का मिलान करना भी बहुत ही जरूरी है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी इसमें आरएच कारक नहीं है,
इसका रक्त इसके अंदर आसानी से चटाया जा सकता, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको चेंज कर दिया, ये लो, ये पॉजिटिव वाले का रक्त, यानी इसके अंदर एक विशेष प्रतिजन कौन सा हो गया आरएच का, क्या इसमें है? इसमें वो नहीं है। प्रतिजक्षी कौन सा है? बी। किसको जानता है? ए प्रतिजन को जानता। प्रतिजन ए को जानता है, क्या वो आरएच कारक को जानता है? नहीं जानता है। और जैसे ही वो प्रवेश करेगा, ये प्रतिरक्षी बी जो इसके अंदर मौजूद है, प्रतिरक्षी बी वो उस आरबीसी की सतह पर उपस्थित आरएच कारक को क्या कर देगा? नष्ट, पूरी आरबीसी को नष्ट कर देगा। इसकी वजह से यकृत के अंदर इस एक्युमुलेशन की वजह से यकृत में बिलीरुबिन, यकृत में क्या बनेगा? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन नामक जहरीला पदार्थ बनेगा। ध्यान रख, जब भी मनुष्य ने जहर खाया, पॉइंट मतलब ये जो जहरीला पदार्थ खाया है, पॉइजन खाया है, तो उसका पता यकृत से चलता है। तो ये बिलीरुबिन पदार्थ बनता है इस आरबीसी के नष्ट होने की वजह से, एगुलेशन की वजह से। अब ये क्या करेगा जहरीला पदार्थ? इस यकृत को भी हानि पहुंचाएगा, इस पलिहा ब्लड बैंक रक्त को एकत्रित किया जाता है, जिसे तिल्ली बोलते हैं, वहां इसे इस दोनों को हानि पहुंचाता है और मनुष्य के गुर्दे किडनी को क्या कर देता है? फैल कर देता है। इससे मनुष्य की क्या होती है? गुर्दे को विफल कर देता है, इससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि रक्त समूह के साथ साथ आरएच कारक का मिलान करना बहुत ही जरूरी है। ये टॉपिक यहाँ से समझना बहुत ही जरूरी है। रक्त समूह का मिलान करना ही है, इसके साथ साथ आरएच कारक का मिलान करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी के शरीर में नहीं है, आरबीसी की सतह पर ये प्रतिदिन नहीं है, तो वो प्रतिरक्षी नहीं जानता भी इसकी उपस्थिति में, उसको विदेशी मान करके, फॉरेनर मान करके उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो ये बात है इसकी। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। दो पॉइंट इसके अंदर, दो पॉइंट एक साथ है, गर्भ रक्तांग कोरकता क्यों होता है, किस वजह से होता है? गर्भ रक्तांग कोरकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस पोरोसिस, ये गर्भ के भीतर, महिलाओं में गर्भ के भीतर रक्तांग यानी आरबीसी कोरकता, मतलब उसका थक्का यानी उसकी आरबीसी की को नष्ट कर दिया जाता है। तो गर्भ के भीतर रक्तांग का पॉपुलेशन होता है, रक्तांग का स्कंदन कर दिया जाता है, तो संलयन हो जाता है, जम जाती है, वो नष्ट होने लगती है, तो उसी बीमारी को हम कहते हैं गर्भ रक्तांग कोरकता। ध्यान से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक स्त्री जिसका रक्त समूह आरएच नेगेटिव है, कोई सा भी रक्त समूह है लेकिन वो क्या है? नेगेटिव, यानी कि उस स्त्री में आरएच कारक नहीं पाया जा रहा है। जब एक स्त्री जिसका रक्त समूह आरएच नेगेटिव है का विवाह शायद हमारे समाज से ये नाम बहुत थोड़ा बहुत दूर चला जा चुका है, इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना जैसे अदृश्य बीमारी की वजह से, वरना इस मौके पर बहुत सारी शादियां होती है, विवाह होता है। तो आरएच का विवाह, आरएच पॉजिटिव पुरुष से होता है, समझ रहे हो? तो महिला है जिसका रक्त समूह है, कोई सा भी हो लेकिन उसमें आरएच कारक नहीं है। लड़का है जिसका रक्त समूह है, उसके अंदर आरएच पॉजिटिव है।
जब वो महिला शादी के बाद गर्भ धारण करती है, आरएच नेगेटिव है, गर्भ आरएच नेगेटिव महिला। अब इसके अंदर पल रहा है ये भ्रूण, क्या पल रहा है भ्रूण, यह है भ्रूण, या इसे हम शिशु मान सकते हैं, शिशु बोल सकते हैं। देखिए जब अंडाणु शुक्राणु यानी युग्मक आपस में मिलते हैं और उनके संलयन से जायगोट का निर्माण होता है, उसको जब गर्भाशय में रोपित किया जाता है तो उसे भ्रूण मिलते हैं। और जब उसके हाथ पैर आंख नाक शरीर के बाह्य अंगों की पहचान शुरू हो जाती है तो उसको शिशु बोलते हैं। तो ये भ्रूण जो आर एच पॉजिटिव किसकी वजह से, पुरुष की वजह से, जिम्मेदार कौन है, ये पुरुष है जो आरएच पॉजिटिव, ध्यान से समझना, भ्रूण आरएच पॉजिटिव। जब इनका प्रथम प्रसव होगा, प्रथम प्रसव फर्स्ट डिलीवरी, उस समय दोनों का रक्त आपस में मिल जाएगा, मां का रक्त और इस शिशु का रक्त, इस भ्रूण का रक्त आपस में मिलेगा, तब माँ के शरीर के अंदर आरएच कारक पहुंचेगा, उस रक्त में पहुंचेगा, तो उसके अंदर मौजूद प्रतिरक्षी उस आरएच कारक को नष्ट करने के लिए आरएच डी प्रतिरक्षी का निर्माण कर देगा, आरएच डी प्रतिरक्षी का। माँ के शरीर के अंदर इस तरह से प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाएंगे, ये इस तरह से वो प्रतिरक्षी बन जाएंगे जगह जगह, ये बन करके तैयार हो चुके हैं। वो तैयार किसके लिए हुए हैं, उस आरएच कारक के लिए, कि अगर अब की बार, यदि मान लो अब की बार जो भ्रूण है वो आरएच नेगेटिव है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो आरएच कारक नहीं है और मां में भी नहीं है। लेकिन फिर से वो आरएच पॉजिटिव है तो उस भ्रूण की, उस शिशु की संपूर्ण आरबीसी को, संपूर्ण आरबीसी को इस प्रतिरक्षी आरएच डी की सहायता से क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। भ्रूण के अंदर उस आरबीसी को नष्ट करने से वही जहरीला पदार्थ बनेगा, गुर्दे यकृत प्लीहा को फैल कर दिया जाएगा और गर्भ में ही उस शिशु की मृत्यु हो जाएगी, उस शिशु की। सेकंड कंडीशन के अंदर द्वितीय प्रसव के दौरान उस भ्रूण की, शिशु की, शिशु की या भ्रूण की, शिशु की गर्भ में शिशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, यदि वो जीवित भी रहता है तो वो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहेगा, उसको हीमोफीलिया बीमारी रहेगी या सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी रहेगी, या वो अत्यधिक कमजोर रहेगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं गर्भ रक्ताणु पूरकता। इसी बीमारी को, इसी रोग को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोरेसिस। इसका इलाज, इसका एक बहुत ही बढ़िया इलाज है, ये तो प्रथम प्रसव हुआ उसके 24 घंटे के भीतर भीतर, 24 घंटे के भीतर, प्रथम प्रसव के दौरान 24 घंटे के भीतर, एक 24-48 ले सकते हैं, 24-48 इसी टाइम पीरियड के भीतर उस मां को इंजेक्शन लगाया जाता है एंटीआरएच, एंटीआरएचडी का इंजेक्शन, एंटीआरएचडी का इंजेक्शन लगा दे, किसको, उस महिला को। किस कंडीशन में, जब उसका प्रथम प्रसव हो रहा है उस कंडीशन एनडीआरएच, क्योंकि यह आरएचडी बन रहा है इस शिशु को नष्ट करने के लिए, उस आरबीसी की सतह को नष्ट करने के लिए, उसकी संपूर्ण आरबीसी को नष्ट करने। अच्छा, इस आरएचडी एनडीआरएचडी इंजेक्शन को हम कहते हैं रोहेगम का टीका, रोहेगम का टीका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में पूछा भी गया है कि गर्भ रक्ताणु पूरकता रोग को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो रोहेगम का टीका या एंटीआरएचडी का इंजेक्शन लगाया जाता है, या प्रतिरक्षी बन जाता है एंटीआरएचडी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो आपके
वीडियो जो है ये गर्भरक्ताणु पूरकता का जो वीडियो है वो अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। फिर से बात करता हूं मैं इस पर कि जब एक स्त्री जिसका रक्त समूह आरएच नेगेटिव है उसका व्यवहार आरएच पॉजिटिव है, और जो शिशु है अगर वो आरएच नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव है भ्रूण क्या है पॉजिटिव तो प्रथम प्रसव होगा उस समय दोनों का रक्त आपस में मिलेगा और एक प्रतिरक्षी बन जाएगा, कौन सा एंटी आरएचडी। और जैसे ये एंटी आरएचडी बनेगा उस समय ये पूरा का पूरा जो भ्रूण है उस आरबीसी की सतह उस पर से उस आरएच कारक सहित उस पूरी आरबीसी को नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, रक्त का स्कंदन होगा जिसकी वजह से ये जो प्रतिरक्षी है वो उसे नष्ट करेंगे आरबीसी की सतह से, इसकी वजह से भ्रूण की गर्भ में मृत्यु होगी, यानी गर्भ में रक्ताणु का स्कंदन हो जाएगा, गोरखता जिसे हम बोलते हैं। तो ये अब इस बीमारी से बचने के लिए प्रथम प्रसव या तो मृत्यु होगी या अत्यधिक कमजोर होगा, ठीक है, यह तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रसित होगा। बीमारी से बचने के लिए प्रथम प्रसव के दौरान 24 से 48 घंटे के भीतर एंटी आरएचडी का टीका लगाया जाता है जिसे रुबेगम का टीका भी कहते हैं। तो ये है हमारे गर्भरक्ताणु कोरक। बहुत ही ये जो डिजीज है वो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और एक बता दूं आपको तरीका, जो 10th क्लास के बच्चे जो आए हैं मैं कहना चाहूंगा उनको कि जैसे मैं टॉपिक लिख रहा हूँ लेसन वाइज आपको क्या करना, जैसे एक टॉपिक मैंने यह समझा दिया कि अगर आप एक साथ नोट्स लिखोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको मेन साथ में मोबाइल, तो मोबाइल का सही तरीके से अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे एक टॉपिक मैंने समझाया उसको नोट्स किया, ठीक है, फिर परिभाषा को पढ़ दी याद कर ली, फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके नोट्स बना लिया और उसको अच्छी तरीके से याद समझ लिया, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स के अंदर बता दें कि ये चीज समझ में नहीं आई, वो आपको वापस बता दीजिए।